हेलो गाइस, मैं हूं विपिन तोमर। आप देख रहे हैं विपिन क्रेजी इन्फो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने फॉर्म 10E को या फिर ITR रिटर्न को कैसे ई वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई करने के काफी सारे तरीके हैं, इसकी डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो पसंद नहीं आती है तो वीडियो को डिसलाइक कर दे। गाइज, यहाँ पे मैं फॉर्म 10E फिलअप कर चुका हूं। इसका फाइनल स्टेप है प्रोसीड टू ई वेरीफाई। यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, यहाँ पर एक पॉपअप विंडो देखने को मिलती है, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड टू ई वेरीफाई। इस पर यस पर हम क्लिक कर देंगे। गाइज, ई वेरीफाई का जो होम पेज है कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा पैन नंबर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर फॉर्म नंबर फॉर्म 10E लिखा हुआ है, यदि ITR है तो यहाँ पर ITR लिखा होगा, असेसमेंट ईयर 2021 है। गाइज, यहाँ पर पूछा गया हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई। हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है। जो फर्स्ट ऑप्शन है OTP के थ्रू हम ये तब यूज कर सकते हैं यदि हमारा मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। उस मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, OTP आने के बाद आपका जो फॉर्म 10E है या फिर ITR है वो ई वेरीफाई हो जाएगा। जो सेकंड ऑप्शन है ये DSC है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इसके थ्रू भी हम ई वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है ये अपलोड होना चाहिए, हमारे जो डिजिटल सिग्नेचर है, चाहे वो ओल्ड पोर्टल पर हो चाहे वो न्यू पोर्टल पर हो। यदि ये अपलोड नहीं है तो हम आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड ऑप्शन है हमारा जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन कोड EVC। आपको इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन कोड जनरेट करने होंगे, ये आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं या थर्ड वन डीमैट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन ये आपके रजिस्टर्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है आपका, नेट बैंकिंग रजिस्टर्ड है, डीमैट अकाउंट रजिस्टर्ड है, तो इन दोनों में से ऑप्शन में से भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास यदि पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है, हमने पहले से जनरेट कर रखा है, तो उसके थ्रू भी हम ई वेरीफाई कर सकते हैं। लास्ट का ऑप्शन मिलता है आई ऑलरेडी हैव एन OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। यदि आधार के साथ रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर पर OTP पहले से अवेलेबल है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप इसको भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है ये बैंक ATM के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं। आप बैंक ATM आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पर स्टेप दिए हुए हैं। आप बैंक ATM में जाएंगे, अपना ATM कार्ड वहाँ पर स्वाइप करेंगे और उसके बाद वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको पिन फॉर इनकम टैक्स फिलिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड सेंड हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी रजिस्टर्ड है, ये दोनों आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और जो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है ये 72 आवर्स के लिए वैलिड होता है। और जो जनरेट होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, उसके थ्रू आप फॉर्म 10E है या फिर आपका ITR है ये ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे यहाँ पर हम सबसे जो बेसिक चीज होती है तो मोबाइल नंबर और आधार कार्ड रजिस्टर रहता ही है इनकम टैक्स पोर्टल पर, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे इस पर। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें कंटिन्यू टू का टैब मिल जाता है, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। तो गाइस, यहाँ पर एक पॉपअप विंडो देखने को मिलती है, जो भी हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार में उस पर एक OTP भेजा जाएगा। इसके लिए हमें यहाँ पर टिक करना है आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, जनरेट आधार OTP पर हम क्लिक कर देंगे। गाइस, यहाँ पर हमारी एक पॉपअप विंडो आ जाती है, यहाँ पर हमें OTP को वेरीफाई करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर जो भी आपके पास OTP आया यहाँ पर एंटर करना है। गाइस, जैसे भी आपके पास OTP आएगा आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा, यहाँ पर वैलिडेट का टाइम मिलता है, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो फॉर्म 10E है या फिर ITR है वो ई वेरीफाई हो जाएगा। जैसे इस केस में क्या है कि हमारे पास जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड में रजिस्टर नहीं है, आधार कार्ड काफी पहले बना था, तो इसके लिए हम इसको यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। मैं आपको दूसरा तरीका भी शो कर देता हूँ। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट करना पड़ेगा, उसको कैसे जनरेट करते हैं मैं आपको शो कर देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैं इनकम टैक्स न्यू पोर्टल के होम पेज पर हूँ, सर्विसेज में हम जाएंगे, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EVC, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जो हमारा फर्स्ट है ये सेलेक्ट है ऑलरेडी, सेकंड जो हमारा मेथड है हमें मेथड सेलेक्ट करना है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट करने के लिए। इसके तीन मेथड है, ये तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, ये थ्रू बैंक अकाउंट कर सकते हैं या फिर थ्रू डीमैट अकाउंट कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पर जैसे ही हम थ्रू बैंक अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैसेज नीचे देखने को मिलता है, यू हैव वैलिडेटेड, हमने अपना जो बैंक अकाउंट है ऐड कर रखा है, वैलिडेटेड कर रखा है और वो इनेबल है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट करने के लिए। यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट नंबर भी शो कर देता है। इसके लिए कंडीशन यही है कि जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर ऐड होना चाहिए, वो वैलिडेटेड होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के लिए इनेबल होना चाहिए। यहाँ पर हमें कंटिन्यू टू का टाइम मिलता है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है जनरेट हो चुका है और ये हमारे जो भी मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है जो रजिस्टर है इनकम टैक्स पोर्टल पर वहाँ पर भेज दिया गया है। इसके बाद गाइज हम वेरीफाई करने के लिए चले जाएंगे। यहाँ पर जैसे हम पहले ही वेरीफाई कर रहे थे, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे आई ऑलरेडी हैव एन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है ये एंटर करना है। गाइज, हमारे पास मैसेज आ चुका है, हम यहाँ पर एंटर कर देंगे इसको और मैसेज उसी मोबाइल नंबर पर आएगा जो मोबाइल नंबर आपका बैंक में रजिस्टर्ड है। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू टू का टाइम मिल जाता है, सिंपली इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया है जो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है, ई वेरीफाई का यहाँ पर टाइम मिलता है, सिंपली इस पर हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों, पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म 10E,
तो हमें सबमिट करना है, तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। गाइज इसके बाद जो आपका फॉर्म 10E है या फिर ITR है, ये ई वेरीफाई हो जाएगा। ई वेरीफाई होने के बाद आप इसको फाइनली सबमिट कर देंगे। यहाँ पर मैं इसको ई वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ मुझे प्रोसीजर दिखाना था। गाइज यदि नेट बैंकिंग और डीमेट अकाउंट आपके रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स पोर्टल पे, तो आप उसके थ्रू भी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट कर सकते हैं। गाइज लास्ट का ऑप्शन हमें तब यूज़ करना है यदि कोई OTP हमारे मोबाइल नंबर पर आया है, पहले से हमारे पास अवेलेबल है OTP, तब हम इसको यूज़ करेंगे। गाइज कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगती वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। यदि कोई आपको डाउट है या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। आगे मिलेंगे इसी तरह की वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।